Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप सब लोग ठीक होंगे. So, जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि आने वाली है, बराबर एक महीना बचा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा गरबा सिखाती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लेडीज होते हैं जिनको गरबा नहीं आता है, क्योंकि उनको लगता है बहुत हार्ड है. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपका बेसिक स्टेप क्लियर रहा ना, तो आपका फिर गरबा का कुछ भी मतलब बहुत ईजी जाएगा. बहुत से ऐसे वीडियोज में देखते हैं तो उनको लगता होगा कि हार्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं. अगर अपना बेसिक क्लियर रहना है तो फिर अपन को गरबा आराम से आ जाएगा. एंड जो ऐसे हैंड मूवमेंट से हाथ आड़े टेढ़े जाते हैं वो ठीक है, बट अपना जो मेन खेल होता है वो पैरों का होता है. क्यों? क्योंकि बेसिक स्टेप ना क्लियर होना चाहिए. एंड हम कभी भी नवरात्रि में जब भी गरबा करते हैं तो वो विदाउट शूज एंड सॉक्स, जूते ऐसा कुछ भी नहीं पहनना पड़ता है, क्योंकि ये माता का होता है तो ये बहुत पवित्र माना जाता है. आप तो देखे होंगे मोस्टली वैसे भी नवरात्रि के टाइम पे बहुत सारे लोग शूज, चप्पल, जूते, लेदर की चीजें, बेल्ट वगैरह नहीं पहनते, क्योंकि ये माता का है तो ये बहुत पवित्र है इसलिए. ठीक है. सो अभी आज मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगी बेसिक जो गरबा की स्टेप होती है वो. एंड बेसिक स्टेप लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है. बस आप जो जैसे मैं सिखा रही हूँ आप उसको फॉलो करो एंड आपको बहुत जल्दी गरबा आ जाएगा. ठीक है. तो अभी जो हमारा बेसिक है वो हम लेफ्ट पैर से स्टार्ट करेंगे. सब अभी सर्कल में जब करेंगे तब कैसा होगा, एंड अभी मैं सिर्फ ऐसे सिंपल बता रही हूँ. ठीक है. तो आपको सबसे पहले अपना लेना है लेफ्ट पैर, एंड लेफ्ट पैर को स्लैंट की तरफ ऐसे लेके निकालना है. ठीक है. जैसे अभी ये है मेरा लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग. ओके. तो अभी मैं लेफ्ट पैर पहले निकालूंगी. सो वन. ठीक है. एंड देन राइट पैर से वापस जगह पे. टू. देन मैं वापस लेफ्ट पैर से पीछे जाऊंगी. थ्री. एंड वापस लेफ्ट राइट पैर से जगह पे. फोर. ठीक है. मैं यहीं पे थी, मैं आ गई अपने प्लेस पे वापस. मैंने लेफ्ट पैर से चालू करी एंड लेफ्ट पैर से ही पीछे भी गई. ठीक है. देखो वन टू थ्री फोर. ठीक है. लेफ्ट पैर से पहले आगे, देन राइट पैर से पीछे, लेफ्ट पैर से पीछे, एंड देन राइट पैर से आगे. कुछ नहीं करना, जैसे एक ऐसा रहता है ना एरो का शेप, ऐसा बस अपन को ऐसा बनाना है. ठीक है. वन टू थ्री फोर. ठीक है. लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, आगे राइट पैर से पीछे, लेफ्ट पैर से पीछे, एंड राइट पैर से जगह पे. मैंने कुछ भी नहीं करी, जो सिंपल बेसिक होता है यही. सर्कल में हम जब भी गरबा खेलते ये होता है बेसिक स्टेप. फिर अपन बेसिक स्टेप पे अपन हैंड मूवमेंट्स कैसे भी कर सकते हैं. ठीक है. अभी हैंड मूवमेंट्स का जान दो, पहले अपना जो पैरों का खेल है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आपको गरबा बहुत अच्छे से आएगा. तो मैं और एक बार अच्छे से बताती हूँ. ठीक है. एंड देन आपको सर्कल में कैसे करना है वो भी बताऊंगी. वन टू थ्री फोर. ठीक है. अब सपोज अभी आप समझो जैसे कि मैं अभी सर्कल में हूं, सर्कल. ठीक है. तो तभी भी मेरा लेफ्ट पैर ही पहले निकलेगा. देखो ये है मेरा राइट लेफ्ट हाथ एंड लेफ्ट पैर. ठीक है. वन टू थ्री फोर. ठीक है. वन टू थ्री फोर. ठीक है. सपोज अगर मैं सर्कल में इस तरफ से खड़ी हूं, ऐसे इस तरफ से. ठीक है. तो ये है मेरा राइट हैंड एंड ये है लेफ्ट, एंड ये है राइट पैर. ठीक है. एंड ये है मेरा लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट पैर. तो अगर मैं सर्कल अगर अब जब मैं ऐसे राउंड में हूं तो मेरा जो ये लेफ्ट है ये अंदर की तरफ में जाएगा सर्कल के. ठीक है. तो ऐसा होगा. वन टू थ्री फोर. वन टू थ्री फोर. ठीक है. अभी जैसे मैं फ्रंट फेसिंग करती थी तो आई गेस आपको अगर नहीं भी क्लियर होगा तो मैं आपके जैसे अभी आप मेरा वीडियो देखोगे तो मैं आपके डायरेक्शन से भी ऐसे करती हूँ. ठीक है. सपोज आप मेरा वीडियो भी ऐसे देख रहे हो, ये है मेरा लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट पैर. ठीक है. पहले इसको सामने की तरफ. वन टू थ्री फोर. लेफ्ट राइट, लेफ्ट
राइट ठीक है, हैंड मूवमेंट्स का भी जान दो। पहले आपका पैर जो है वो अच्छे से बैठ जाना चाहिए, आपका बेसिक क्लियर रहा तो आपको गरबा इजीली आ जाएगा, उसका टेंशन मत लो। और ये जो मैं वीडियो आपके लिए बनाई हूँ, आप इसको रोज देख के प्रैक्टिस करना, तो ही आपका लेग मूवमेंट जो है वो प्रॉपर। तो अभी जैसे कि मैं अपनी पोजीशन में खड़ी हूँ, मैंने बोली थी जैसे अपन लेफ्ट पैर पहले लेंगे, सो 1 2 3 4 ठीक है। लेफ्ट पैर से हमने स्टार्ट, राइट पैर से जगह पे, लेफ्ट पैर देन वापस बैक, राइट पैर से वापस पोजीशन में, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है। पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे वीडियोस पे बने रहना, मैं आगे भी और गरबे के स्टेप्स लाऊंगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।